ठीक है तो चलो, मैं एक बार में कितनी शर्ट टांग सकती हूँ? गिनना शुरू करो। जब फैशन हैक की बारी आती है, ये उनके रिकॉर्ड बुक्स में आता है। बस कुछ ही मिनटों में ये सारी शर्ट्स टांग जाएंगी। ये अच्छा है ना? बस इंतजार करें, आपके लिए ऐसे ही और मजेदार क्लोथिंग हैक्स आ रहे हैं। अगला कौन सा रंग चुनूं? बढ़िया डिजाइन, अब ये कहीं नहीं जा रहे। मेरा मेकअप भी बढ़िया है। फिर आज तो बहुत शॉपिंग हो गई, अब मुझे ये सब खोलना होगा। फिर पहले बस मैं थोड़ा आराम कर लूं, ये बहुत टाइट बंधा हुआ है। का? चलो भी खुल जाओ। ओहो, अब मैं इन्हीं में रहूंगी। क्या ये बॉबी पिन्स हैं, जिन्हें हम नॉट खोलने वाला भी कहते हैं? नॉट के एक साइड में इसे डाली और इसे अब दोबारा उल्टी तरफ से निकाली। ये रहा, शांति मिली। मैं कभी दोबारा शूज नहीं पहनूंगी। क्या विकी, तुम्हें अपने जूते इधर उधर फेंकने छोड़ने होंगे। दोस्त माफ करना, तुम्हें पहले से चीख सुन लेनी चाहिए थी। जब कपड़े रखने की बारी आती है, यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, जो सब संभाल कर रखते हैं और दूसरे लाना जैसे। खराब हो गया, लेकिन एक और पुरानी शर्ट क्या कर देगी? तो चलो हो गया। मुझे साफ सफाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आखिरकार ये आखिरी कपड़ा भी धुल गया। बचाओ, मैं अभी इसमें दफन हो जाती। कुछ भी ढंग से क्यों नहीं टंगा हुआ? ओहो, ये सब देखो, जींस को टांगने में सदियां लग जाती हैं। लेकिन इसका एक रास्ता है और वो मुझे पता है। लात को मोड़े और जींस को नीचे तक लपेट ले और एक बची हुई लात से इस रोल को कवर कर दे। अब इसे खींच दे ताकि एक डेनिम बुरीटो की तरह लगे। अब बस इसे अलमारी में रख ले और मुझे एक भी हैंगर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब संभला हुआ बहुत अच्छा लगता है। बस दो मिनट में हम क्लास शुरू कर रहे हैं। मॉर्निंग, यही रुक जाओ। क्या ये स्कर्ट ड्रेस कोड के हिसाब से है? चलो देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, शायद मैं अलग तरीके से खड़ी हुई थी। अगली बार आना जवान लड़की। हेलो मिस एप्पलबी, यहाँ कोई रूलर की जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया टीचर, मैं पिछले हफ्ते ही लाई थी। ओह नहीं, ये जो तुम्हारा वी बन रहा है, ये परेशानी है लड़की। ओहो, मैं बस जाने ही वाली थी, वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? मैं अपने साथ जैकेट भी नहीं लाई। ओह, ये अंडरवेयर काम करेगा, जब तक ये अंडरवेयर की तरह दिखे ना। इसे अपनी नेक के ऊपर लगाएं और एक टांगा इसे नीचे गिरने से बचाएगा। इसे पूरे वी पर करें। जब ये हो जाए तो बस स्टिचेस को साथ में जोड़ दे। अब इसे खींच ले। हे, ये बहुत प्यारा है। अब मैं बढ़ाई के लिए तैयार हूँ मिस एप्पलबी। देखो अब यहाँ कुछ नहीं। बढ़िया विकी, ओह
ओहो, आज लाना की बड़ी प्रेजेंटेशन है। एक और दिन, एक और बायोलॉजी रिपोर्ट। रिटायरमेंट जल्दी नहीं आएगी। वो आउच, ये क्या था? उप्स, माफ करना। हे, इस एयरिंग का साइज तो वही है और ये सही बटन बन सकता है। अगर आप इसे छेद के आगे इस तरह रखें, तो आप इसे पीछे से ऐसे बंद कर सकते हैं। थोड़ा चमकीला है लेकिन काम करेगा। बस हो गया। बहुत अच्छे सपने थे और मेरी त्वचा ने भी आराम कर लिया। हे, ये मेरी डाइटिंग का आखिरी दिन है। चलो देखते हैं मेहनत का फल कितना आया। पहले से हल्का लग रहा है। अब समय है सच्चाई का। चलो भी। अरे वाह, ये मेरे गोल वेट से भी ज्यादा कम है। अब पक्का मुझे वो जीन्स आ जाएगी। मैं उसे सालों से नहीं पहन रही। ओह हाँ, ये फिट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दोस्त बिल्कुल जल जाएंगी। आह, मेरे जैसे इसमें दो आ जाएं। क्या मुझे इन्हें फेंक देना चाहिए या फिर इनका कुछ नया बनाना चाहिए? आगे के हिस्से को इस तरह मोड़ी और पीछे से सीम को निकाले। अब दो जुड़ी हुई चॉपस्टिक में एक इलास्टिक डालें। अब ये दूसरी तरफ से निकलेगा। देखा? अब चॉपस्टिक को सुई धागे से बदल लें। इस तरीके से आप इलास्टिक को कमर पर लगा देंगे। फालतू हिस्से को काटना ना भूलें। बढ़िया, अब ये जींस बिल्कुल फिट हो गए। टेलर ने ये मेरे लिए ही बनाई है। ओह, आज के सारे लेसन क्विज होने वाले हैं। कोई पहले इक्वेशन के लिए आना चाहता है? चलो देखते हैं। हाँ, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? कुछ कहो, कुछ भी। ठीक है, मुझे आंसर नहीं आता। मैं इसे ठीक कैसे करूं? डिटैचेबल ब्रश टैप लें। अब इसे ब्रा के पीछे लगाएं। अब इसे दूसरी तरफ ले जाएं। ऐसे लगाएं कि ब्रा अपनी जगह पर रहे। देखा? अब ये कहीं नहीं जाने वाली। तो हम कहाँ थे? मुझे आजकल सब जवाब पता होते हैं। ओ लाना, चलो आओ, मैं कर लूंगी। चौक दो। और पता चला कि लाना के पास केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स के तो जवाब है ही और फैशन प्रॉब्लम्स के भी है। ओहो, बटन कहाँ है? मुझे बस 10 और मिनट सोना है। ओ, ओ, देर हो रही है लाना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे दिन शुरू करना चाहिए। टाइम क्या हुआ है? क्या? मैं ज्यादा सो गई। ठीक है, बस हो गया। ओ, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ बेंट लूप्स? तो अब चलो। ओ ओ, हाँ, ये अजीब था। हे, इसे क्या हुआ है? मैं एक और बार ट्राई करूंगी। नहीं, ये बहुत बुरा है। एक सेकंड रुको, शायद ये हेयर इलास्टिक काम कर जाए और ये बेल्ट से मैच भी करता है।
इलास्टिक को बेल्ट के नीचे रखें और फिर निकालें। अब बेल्ट के कोने से इसे निकालें और अब आप तैयार हैं। इसमें से कौन से हैक ने आपकी जिंदगी आसान बनाई? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमेशा की तरह 123 गो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए।